हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी अफगानी स्मोकी पनीर। सबसे पहले मैं पनीर को मैरिनेट करूंगी। तो मैंने पनीर ले लिया, यहाँ मैंने आधा किलो पनीर लिया। उसके बाद मैं एक नींबू इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैं अदरक लहसुन की पेस्ट थोड़ा सा मिला लूंगी। अब मैं डाल रही हूँ दही। दही मैंने फेंट के रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की मैंने चटनी बनाया, ये मैं एक चम्मच डाल दिया। उसके बाद मैं डाल रही हूँ गोल मिर्च, एक चम्मच मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, ये दो चम्मच डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। अब इसके बाद स्वाद अनुसार नमक, अब क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल लेना। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम क्रीम था तो मैंने आधा डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ दूध, हाफ कप मैंने दूध डाल दिया। अब इसको अच्छे से और बहुत ध्यान से मैरिनेट करेंगे। देखिए बहुत आराम आराम से करना पड़ेगा क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होती है तो वो टूट ना जाए, इसलिए मैं देखिए बहुत आराम आराम से कर रही हूँ। ऐसे आप अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, बहुत ध्यान से। ये मेरा मैरिनेशन हो गया। अब मैं इसको मैं अभी दो से तीन घंटा, आप जितना मर्जी, मतलब आपके पास जितना टाइम हो आप उसी हिसाब से इसको अगर मैरिनेट करके रखोगे ना तो ये बहुत अच्छा बनेगी। लास्ट में थोड़ा सा दो हरी मिर्च डाल दिया। अब इसको मैं रेस्ट करने दूंगी। मैं दो घंटे बाद आ गई हूँ, दो घंटे मैंने रेस्ट करवा लिया इसको। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दिया। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल और इसके साथ मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी। इसमें थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगी बटर डालने से। इसको गर्म होने देते हैं। बटर अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। अब मैं बहुत ध्यान से एक एक पीस उठा के ऐसे फ्राई करूंगी। ये काम आपको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से इसको हम फ्राई करेंगे क्योंकि नीचे चिपक जाती है, पनीर बहुत सॉफ्ट होती है। देखिए मैं आराम आराम से इसको पलटूंगी। बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं आराम से इसको पलट रही हूँ। नीचे थोड़ा सा ब्राउन थोड़ा सा होगा ना तो फिर अच्छा लगेगी। देखिए ये ऊपर का ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट रहता है। आप ऐसे ही फ्राई कर लीजिएगा।
कितने ध्यान से इसको पलट रही हूँ, ये कितने अच्छे से वाला फ्राई हो गया। ऐसे आपको फ्राई करना है। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको पलटूंगी। मेरा हो गई है, एक एक करके मैं आराम आराम से इसको निकाल लूंगी। देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो गई है। अब जब भी ये रेसिपी बनाओगे ना, तो आपको बिल्कुल ताजी पनीर लेके आना, इसको रख के नहीं करना। इसको ताजी पनीर लाके इसको आराम से आप इसको करोगे तभी ये अच्छा बनेगी। ये जो मैंने निकाली ये आपको भी फेंकना नहीं है, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। फिर मैं दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई करूँगी। मेरी बेटी को पनीर बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पनीर के अलग अलग आइटम बना के खिलाऊँ। उसको अगर पनीर उसको दो तीन टाइम आप दे दोगे ना, वो बहुत शौक से खाती है। आगे मैं और अच्छा अच्छा पनीर का आइटम बनाऊँगी। देखिए दूसरा बैच भी हो गई है मेरी। दूसरा बैच बहुत आसानी से फ्राई हो गई है। देखिए कितना अच्छे से मैं फ्राई हो चुका है सारा। अब इसी ऑयल में मैं ये जो हमारा जो बैटर था ना, ये सब इसमें डाल दूंगी। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना, क्योंकि हमने पहले ही सब कुछ इसमें डाल चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं डालना इसमें, बस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको होने देंगे तेल छोड़ने तक। हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। बॉयल आएगी, जैसे बॉयल आने दीजिए इसको। अब बीच बीच में आप हिलाते रहना ताकि नीचे लग ना जाए, क्योंकि क्रीम है, दही है, आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, नहीं तो दही फटने का चांसेस होती है। देखिए इसीलिए आप जितने देर तक इसको मैरिनेशन करके रखोगे ना, उतना ही बहुत अच्छा बनेगी, क्रीमी सा क्रीमी टाइप की बन जाएगी एकदम। कितना अच्छा बॉयल हो गई है। अब मैं इसमें सारा पनीर डाल दूंगी। अब थोड़ी देर और इसको होने देंगे। इस मोमेंट पे मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी दूंगी, इसका भी बहुत अच्छा स्वाद आती है ये डालने से। पनीर के किसी भी आइटम में ना कसूरी मेथी बहुत अच्छा जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको ढक दूंगी। ये बहुत जल्दी बन जाती है, बोलते ना चट जल्दी रेसिपी, एकदम से बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अब मैं साइड में देखिए क्या कर रही हूँ, जो मेन अभी जो आने वाला है स्मोकी वाली जो, वो आप मैं साइड में जो
कोयला है ना, कोयला कोयला को मैंने उसको गैस पे रख दिया उसको जलाने के लिए। अब देखिए आप, ये मेरा हो गया। आपको ग्रेवी बहुत ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखिएगा। देखिए मैंने कोयला मेरा जल गया और ये भी मेरा हो गया। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर एक कटोरी रख दिया मैंने। अब मैंने कोयले को इसमें रखूंगी। अभी एक चम्मच मैं इसमें घी डाल दूंगी और इसमें दो से तीन मैंने लौंग डाल दिया। अब इसको मैं ढक दूंगी। 5-6 मिनट तक इसको ढक के रखिएगा। उसके बाद देखिए, देखिए रेडी टू सर्व। एंजॉय।